एस्टेरॉयड के टकराने से 5000 फीट ऊंची वेव्स प्रोड्यूस हुई थी। मुंबई के अरेबियन सी में सीरीज टकराने वाला है। 2025 से 35 के बीच ओडिशा में एक बड़ी सुनामी आएगी। जगन्नाथ मंदिर में भी कई मूर्तियां पानी के अंदर चली जाएगी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स थ्रू आउट द 21st सेंचुरी। भूकंप आने से बड़ा सुनामी का खतरा। 3 फॉर द एंटायर नॉर्थ अमेरिकन वेस्ट कोस्ट फ्रॉम अलास्का। वॉलकैनिक इरप्शन ट्रिगरिंग सुनामी एडवाइजरीज। सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। आने वाले 50 सालों में मुंबई, कोलकाता और वेनिस जैसे 40 बड़े शहर सुनामी की वजह से पानी के नीचे आ जाएगा। अब ये मैं नहीं बल्कि यूनेस्को के एक रिपोर्ट का कहना है। सुनामी की ताकत का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन लहरों की हाइट सिर्फ 5 फुट तक होती है तो एक कार से लेकर बिल्डिंग्स के फर्स्ट फ्लोर तक डुबा सकता है। लेकिन इतिहास में ऐसी कई सुनामी देखने को मिला है जिसका हाइट दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर हो। 17 अक्टूबर 2015 को अलास्का के आइस बे पर एक 633 फीट ऊंची सुनामी देखने को मिला, जो इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी सुनामी थी। इस वेव ने इलियस नेशनल पार्क के 8 स्क्वायर माइल्स जंगल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इंसानी इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी सुनामी 18 मई 1980 को एक भयानक भूकंप के कारण वाशिंगटन के माउंट सेंट हेलेंस में ज्वालामुखी विस्फोट के तौर पर देखने को मिला, जिसके चलते माउंटेन का एक साइड टूटकर स्पिरिट लेक में गिर गया था और उसने एक 820 फीट ऊंची सुनामी को जन्म दिया, जिसकी हाइट करीब आईफेल टावर के बराबर थी। और इंसानी इतिहास की सबसे विशाल मेगा सुनामी 9 जुलाई 1958 को अलास्का में आई थी, जिसकी वजह 7.8 मैग्नीट्यूड के एक अर्थक्वेक को बताया जाता है। इस भूकंप के कारण ल्यूटियाबे में 9 करोड़ टन पत्थर टूटकर गिरता है और समुद्र में 1720 फीट की लहर देखने को मिलता है। ये इतनी ऊंची थी कि बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग्स का 2/3 पोर्शन पानी के अंदर होता। अब ये सवाल उठता है कि धरती के इतिहास में इससे बड़ा मेगा सुनामी क्या कभी नहीं आया था? तो यही पर एंट्री होता है चिक्सलूब एस्ट्रॉयड का। 11 किलोमीटर लंबा ये एस्ट्रॉयड आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती से टकराने के कारण डायनासोर समय धरती के 75% स्पीसीज का अंत हो गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार यह एस्ट्रॉयड मेक्सिको के यूकेटन पेनिनसुला में गिरा था, पर इसके इम्पैक्ट हजारों किलोमीटर दूर तक ओशियनिक फ्लोर्स पर हुआ। चिक्सलूब एस्ट्रॉयड के टकराने से इतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ था कि समुद्र में 1 किलोमीटर यानी करीब 5000 फीट ऊंची वेव्स प्रोड्यूस हुई थी। ये बुर्ज खलीफा के हाइट के डबल से भी ज्यादा है। अब धरती पर एस्ट्रॉयड का गिरना कोई नई घटना नहीं है। हर दिन स्पेस से धरती के एटमॉस्फेयर पर 100 टन से ज्यादा डस्ट पार्टिकल घुसता है। कार्स की साइज के एस्ट्रॉयड्स तो धरती के करीब से हर साल ही निकलता है। अगर ये धरती पर कभी घुसता भी है तो ये धरती के एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं और कभी जमीन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच एक ऐसा एस्ट्रॉयड छिपा है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज की। इसकी रेडियस 476 किलोमीटर है, जो डायनासोर्स को खत्म करने वाले चिक्सलूब एस्ट्रॉयड से 60 गुना बड़ा है। अगर ये सीरीज गलती से भी धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? धरती पर आने वाली ज्यादातर सुनामीज का कारण समुद्र के निचले जमीन का भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होती है, मगर मेगा सुनामी तब आती है जब एक उल्कापिंड पानी में गिरता है। तो ऐसा ही कुछ होगा अगर सीरीज धरती से टकराता है तो इसके धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही एस्ट्रॉयड जलने लगेगा और ये धरती के सरफेस में टकराने के साथ साथ अंदर तक घुस जाएगा, जिससे विशाल समुद्र की लहरें उठेगी और धरती की सरफेस से कई टुकड़े टूटकर एटमॉस्फेयर में हजारों किलोमीटर तक फैल जाएगा और डस्ट की वजह से सूरज की लाइट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। और जब कुछ समय बाद ये टुकड़े नीचे शुरू करेगा तब ये धरती के एटमॉस्फेयर से टकरा के आग के गोले बनकर बरसेंगे। पूरी धरती पर हाइपरसोनिक शॉक वेव्स क्रिएट होगी और इनके रास्ते में आने वाली हर एक चीज जलकर राख हो जाएगी। यहाँ तक कि हिमालय और माउंट एवरेस्ट भी इस एस्ट्रॉयड की गर्मी से जल जाएगा। इस समय तक शायद ही कोई जीव धरती पर जिंदा बच पाएगा। लेकिन अगर सीरीज इंडियन ओशन में गिरता है तो सीरीज के टकराने के कुछ दिन पहले ही इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ने इंडिया के गवर्नमेंट को ये अलर्ट कर दिया होगा कि मुंबई के कोस्ट से 100 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में सीरीज टकराने वाला है। लेकिन इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर पाए, सुनामी की लहरें मुंबई की वेस्टर्न कोस्टलाइन से टकरा जाएगा और सीरीज धरती से टकराने के तुरंत बाद ही एक बड़ा भूकंप होगा, जिससे जमीन बहुत ही जोर जोर से हिलने लगेंगे, कार्स पलट जाएगा और आसमान से छोटे स्काईस्क्रैपर, ग्लासेस और कॉन्क्रीट गिरने लगेगा और समुद्र के किनारे से सारा पानी अचानक से सूख जाएगा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाए, अचानक 32,000 फीट से भी ऊंची एक लहर इंडियन ओशन से होती हुई इंडियन वेस्टर्न कोस्टलाइन की तरफ बढ़ रहा होगा, जिसका हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची होगी और पलक झपकते ही इंडिया गेट, ताज पैलेस, ट्राइडेंट होटल और सीएसटी स्टेशन सब पानी के अंदर समा जाएगा और देखते ही देखते मुंबई, सूरत, गोवा और कोची जैसे शहर कुछ ही मिनट में पानी के अंदर होगी। कुछ ऐसा ही दूसरी जगहों पर भी होगा। गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोवा का अगुडा फोर्ट, केरला के सारे टी गार्डन और वेस्ट बंगाल का हावड़ा ब्रिज सभी कुछ ही घंटों में पानी के अंदर होगा। अगर साधु श्री अच्युतानंद दास की किताब भविष्य मालिका को देखा जाए तो
उसमें उन्होंने एक भविष्यवाणी की है जिसके अनुसार 2025 से 35 के बीच ओडिशा में एक बड़ी सुनामी आएगी जिससे ओडिशा शहर आधे से ज्यादा नष्ट हो जाएगा, हर तरफ तबाही होगी। यहां तक कि जगन्नाथ मंदिर में भी सुनामी की वजह से कई मूर्तियां पानी के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर किसी ड्वार्फ प्लैनेट या एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने की नौबत आती है तो नासा और स्पेसएक्स जैसी एजेंसीज क्या कर सकती है? वैसे हमारी धरती का एटमॉस्फेयर छोटे एस्ट्रॉइड को सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देता बल्कि उसको उससे पहले ही जलाकर राख कर देता है। लेकिन 15 फरवरी 2013 को एक 19 मीटर बड़ा और 12,000 टन जितना वजनदार मीटियोर रशिया के एक सिटी चेलियाबिंस्क में गिरता है जिसमें लगभग 1600 लोग घायल हुए थे। इसका मतलब हम पर इन एस्ट्रॉइड का गिरना अब कोई हॉलीवुड फिल्मों की कहानी नहीं रही। तो इसी को रोकने के लिए नासा ने डार्ट यानी कि डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट को इन्वेंट किया है जिसमें एक प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा जो फ्यूचर में आने वाला एस्ट्रॉइड जो धरती से टकरा सकता है उससे हमें बचा लेगा। लेकिन ये एक टेस्ट मिशन के तौर पर 21 नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया है। इसके बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे क्योंकि एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई एस्ट्रॉइड अगर धरती से ना ही टकराए तो क्या मेगा सुनामी हो सकता है? अगर हम बात करें स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड की जहां पर एक बहुत ही खतरनाक वोल्केनो है और आज की तारीख में यहां करीब 81,000 लोग रहते हैं और अगर यहां पर वोल्केनिक इरप्शन होता है तो ये इतना बड़ा जमीन खिसका देगा जिसके चलते समुद्र में 914 मीटर यानी कि 3000 फीट जितनी लंबी सुनामी को जन्म दे सकता है जो बुर्ज खलीफा से भी काफी ज्यादा लंबी होगी। इस घटना के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से टकरा जाएगा। हालांकि समुद्र में मौजूद यह सुनामी वार्निंग सेंटर पहले से ही इसके बारे में अलर्ट कर देगी। लेकिन अमेरिका का ईस्ट कोस्ट एरिया जहां 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं वो लोग इतने कम समय में अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसे में लोगों को ही अपनी खुद की जान खुद ही बचानी पड़ेगी। आम इंसानों को सबसे ऊंचे स्काईस्क्रैपर्स के टॉप फ्लोर पर जाना होगा, इससे उनका जान बच पाना काफी हद तक पॉसिबल है। पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो मेगा सुनामी होने के लिए एस्ट्रॉइड का आना जरूरी नहीं, एक ज्वालामुखी विस्फोट भी काफी है पूरे अमेरिका या इंडिया को तबाह करने के लिए। और अगर किसी एस्ट्रॉइड के टकराने से ऐसा होता है तो ऐसे में वो एस्ट्रॉइड धरती तक पहुंचने से पहले या तो धरती के एटमॉस्फेयर में ही जल जाएगा या फिर उसे नासा का डार्ट मिशन का रॉकेट हवा में ही मिसाइल्स के थ्रू नष्ट कर देगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।